माय गुडनेस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने अपने आप को इतनी तकलीफ दी ही कैसे है। मतलब बहुत पिछले पिछले मतलब सालों की बातें याद आ गई कि मैंने अपने आप को इतना हर्ट कैसे किया है, और वो भी किसी और के लिए और किसी सिली चीज़ के लिए। वो सब कुछ इतना सामने आ गया ना, और लगा कि हाउ कैन आई डू दिस टू माई सेल्फ। मतलब स्वाति जी, बहुत से इमोशंस फील किए, गुस्सा, जेलसी, डिसगस्ट, अपनी कुछ हरकतों पे इतनी शर्मिंदगी थी, लेकिन वो, और इतना सुकून मिलता था जब वो वाइट लाइट ट्रांसम्यूट करती थी सब कुछ, ऐसे लगता था जैसे सब खत्म हो गया जी। और रोना भी बहुत आया। लेकिन जब जैसे ही वो डीएम वाला टाइम आया ना, तो उस वक्त तो ऐसे था जैसे वो तैयार बैठे हैं बात करने को। बहुत झट से उनके जवाब आ रहे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गॉड ब्लेस यू। बहुत पावरफुल सेशन हुआ है हमारा आज का। बहुत पावरफुल, बहुत डीपर लेवल के जो आपके इमोशंस थे ना, वो सरफेस किए हैं। आज का दिन भर आपको ना अपने इमोशंस को देखना है, ठीक है, किस किस तरह के, क्योंकि ये सरफेस करेंगे, ये रिलीजिंग होने के लिए पूरा दिन भर ये चलेगा, या फिर अगले 2-3 दिन तक ये पूरा हीलिंग का या फिर रिलीजिंग का जो भी प्रोसेस है ये चलेगा। तो इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, जो भी दे जाए। यस दिव्य, तो बहुत था मैम। और जैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी आ रही है आवाज ठीक से? बोलो। सेशन तो खैर बहुत ही पावरफुल था, इसमें तो कोई वो डाउट नहीं है। और इतना लाइट लग रहा है, और चारों स्टेजेस में, सबसे पहले जो मेरा स्टेज था उसमें जो सबसे प्रोमिनेंटली मुझे लगा कि मैंने अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया हमेशा, राइट, एग्जैक्ट। तो रिलीज काफी हुआ उसके बाद, अच्छा लगा। और जितना हम टाइटली जैसे हग कर रहे थे पिलो को, तो उतना अच्छा लग रहा था। फिर इनर चाइल्ड में, क्योंकि शायद मे भी हम लोगों ने पहले हीलिंग करी है वर्कशॉप वगैरह में, इनर चाइल्ड बड़ा मतलब ऐसे काम था, और जैसे बच्चों वाला इनोसेंस होता है ना हग करते वक्त, उधर से आ रहा था। yes. तो वो भी काफी अच्छा लगा। और जो डीएम के साथ, तो जैसे भी फातिमा जी ने बोला कि जैसे ही उनको मतलब इमेजिन किया, या हम लोगों ने, मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो ऑलरेडी वो लाइक जैसे ओपन आर्म करके आ जाओ, गले लगा लिया, और बहुत लविंगली अच्छे से आराम से बात, मतलब जो होता है ना कि जो भी आप बोल रहे थे कि आई एम सॉरी वाला, तो ही वाज एक्सेप्टिंग इट, वेरी नाइस। और लास्ट वाला भी अच्छा रहा। उस वक्त थोड़ा सा मैं ट्रांस में जा रही थी लास्ट वाले में, लेकिन वो जो आपने बोला ना सर्कल दूर दूर जा रहे हैं, तब थोड़ा आ गई थी अवेयरनेस में। और एक सबसे मजे अच्छी बात मुझे लगी बिल्कुल एंड में, जो हम लोग जितने सारे, जैसे हम लोग डिवाइन फेमिनाइन जिनको हम आपस में कह रहे हैं, हम लोग सब ऐसे कुछ ना, सारा ग्रुप जो अभी मेडिटेट कर रहे हैं, हम लोग बहुत ऐसे खिलखिलाहट वाले उसमें माहौल में, और कोई ऐसे पैलेस जैसा है, उसकी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं काफी ऊपर। ग्रेट, बहुत अच्छा आपको विजन आया है। जैसे फेरीज नहीं होती है, प्रिंसेस ऑफ फेरीज, सब लाइट है, सब ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, हम एक्चुअली सारे लाइट है, हम सारे एंजल्स हैं, और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हमारे असेंशन में, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो लास्ट में हम लोग बहुत एकदम ऐसे खुशी से दौड़ते भागते उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, होल फैमिली सब इतना जुड़े हैं मन से। जी, थैंक यू। और स्वाति जी, ऐसे ऐसे लोग चौथे सेशन में आए जेन में, जो भूल गया हुआ था कि अच्छा इनकी कोई बात बुरी लगी थी, वो सारे चेहरे सामने आ गए, इवन एंड तक आ रहे थे। जी जी, जैसे वो सर्कल जा रहा था ना, फिर भी आ रहे थे। हाँ जी, स्टार्टिंग में नहीं आए, तो ये बात बहुत अच्छी हुई कि हमारा सबकॉन्शियस जब एक्टिव होता है ना, तब वो सारी चीजों को सरफेस लाता है जो हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। श्वेता जी बोलिए। हेलो मैम, द सेशन वाज अमेजिंग एब्सोल्युटली। मतलब मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ अभी। सबसे पहले तो जो हमने अपने आप को मिरर में देख के, आंखों में आंखें डाल के जो खुद को माफ किया है,
माय गुडनेस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने अपने आप को इतनी तकलीफ दी ही कैसे है। मतलब बहुत पिछले पिछले मतलब सालों की बातें याद आ गई कि मैंने अपने आप को इतना हर्ट कैसे किया है, और वो भी किसी और के लिए और किसी सिली चीज के लिए। वो सब कुछ इतना सामने आ गया ना, और लगा कि हाउ कैन आई डू दिस टू माई सेल्फ। मतलब मैं खुद को ही कोस रही थी काफी बार तक। एंड बाद में मुझे वो फिर एक सुकून मिला कि जब आपने आई एम सॉरी वो जो हो पनो पनो का जो प्रेयर है उससे, पर ये जो सेल्फ फॉरगिवनेस था दैट वाज अमेजिंग एंड इट वाज सो मच नीडेड एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज है ये जो हमने डीएम को फॉरगिवनेस किया है, तो मुझे इसके बारे में एक बात बोलनी थी। जब मुझे इस जर्नी के बारे में पता नहीं था, और एक्चुअली डीएम मेरे लाइफ में आ गए थे और मेरी जिंदगी पूरी 360 डिग्रीज टर्न हो गई थी, मतलब पूरी उथल पुथल हो गई थी। एंड आई वाज लुकिंग फॉर द आंसर्स एंड मुझे होपोनोपोनो के वीडियोज आने लगे थे। एंड देन आई समहाउ एंड अप इन बाइंग द बुक जीरो लिमिट्स। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। इट इज रिटन बाय जो विटाले। एंड जो होपोनोपोनो प्रेयर्स है, यू लेन जो डॉक्टर थे जिन्होंने वो हवाई आइलैंड पे जाके सब मरीजों को वो किया, वो मैंने बुक लेकर पढ़ी है पूरी। वो मेरे पास है, मैं शेयर करूंगी आपसे। सुना हुआ मैंने होपोनोपोनो से उन्होंने सारों का वो कर दिया था, सारा सारे ठीक हो गया। क्रिमिनल्स थे पूरे हॉस्पिटल में, साइकोपैथ्स थे, बहुत ही ग्रूसम क्रिमिनल्स थे, उनको सारा किया था। तो ये जो होपोनोपोनो की जो प्रेयर है वो मैं डीएम के लिए हमेशा यूज करते आ रही हूँ, और एंड इट्स अमेजिंग। सो आई वुड मतलब वो तो कंटिन्यू करनी ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, हर एक चीज के लिए करनी चाहिए, फॉर एवरीवन, यू नो, फॉरगिविंग एवरीवन रियली। Right. So it was absolutely amazing session. Thank you so much, ma'am. Deep gratitude to you. Gratitude. God bless you. Mm-hmm. God bless you. Thank you, ma'am. Hello, Dee. मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। बोलिए मीनाक्षी जी। मेरे तो वैसे मैं मेरा तो बहुत ज्यादा अच्छा गया। मैं बहुत ज्यादा खाली भी हो चुकी हूँ। बहुत ज्यादा ही मुझे रोना वगैरह आया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, मतलब जो डीएम ने मुझे हर्ट किया। जब स्टार्टिंग में इस जर्नी का पता चला था तो मैंने डीएम के लिए किया था होनो पोनो, पर कभी खुद के लिए नहीं किया था। खुद के लिए करना जरूरी है। हाँ, तो आज क्लियरली दिखा कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा जो भी मुझे हर्ट हुआ था या जो भी दिया था डीएम ने हर्ट, वो भी बहुत ज्यादा थे। तो मेरे और इनर चाइल्ड का तो बहुत ज्यादा ही था कि इमोशंस इतने ज्यादा नहीं निकल रहे थे, हैवीनेस बहुत ज्यादा थी। और लास्ट वाला सही था, वेरी नाइस मेरे लिए। आज बहुत ज्यादा निकला, ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फ्री हुई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड ब्लेस निदा। कोई भी यस दी गुड मॉर्निंग मैम। नूपुर। यस नूपुर, नूपुर के बाद शेयर करिएगा। हाँ मैम, हम अच्छा रहा। और किसी के वॉइस बहुत हो रही है नूपुर जी, वो फील हुआ। नूपुर जी वॉइस बहुत ज्यादा, यहाँ नेटवर्क नहीं आता। कोई बात नहीं, आप एक लिख के शेयर कर दीजिए। हाँ मैम, ठीक है। ओके निदा। हाँ यस दी, आवाज आ रही है? बोलिए। ओके दी, जब हम डीएम का कर रहे थे ना फॉरगिवनेस, तब आपने बोला था डीएम की सोल को बुलाने के लिए। तो तब ना दी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत नाराज, मतलब इतना नाराज थे कि जैसे कि मैं कुछ बहुत गलत कर रही हूँ, कहीं गलत जा रही हूँ। तो मैंने बहुत माफी मांगी, बट ना वो बहुत नाराज नाराज ही लग रहे थे। पर जब मैं होपोनोपोनो करते जा रही थी उसके बाद वो थोड़े से नॉर्मल हुए। फिर मुझे बाद में एट द एंड उन्होंने मुझे हक किया,
और ये एक चीज हुई थी। और एट द एंड जब हमने सारा कुछ वो बॉल भेज दिया, सब कर दिया, बहुत मुझे लाइट लग रहा था, मतलब सब लाइट लग रहा था, बट ना अचानक से मेरा जो राइट हार्ट है वो ना हर्ट करने लगा, राइट साइड पे। तो मैंने फिर उसको, मुझे समझ आया मे बी वो मेरे डीएम डीएम का है, और मैंने फिर से होपोनोपोनो करना स्टार्ट किया कि जैसे मैं हग कर रही हूँ डीएम को और मैं माफी मांग रही हूँ। तो वो खुद ब खुद ही ना कम हो गया, मतलब जो हर्ट फीलिंग थी ना राइट साइड पे वो कम हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको फीलिंग्स क्या थी जब हमने फर्स्ट स्टेज किया, टुवर्ड्स फोर्थ स्टेज में अब, हाँ योर मैं सेल्फ? फोर्थ, हाँ, मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी जो बचपन में मेरे साथ हुई है, बहुत इमेजेस आ रहे थे चाइल्डहुड के, तो मैं वो माफी मांग रही थी, वो हो रहा था कि मैं बहुत सारे ना खुद को माफ सबको, किया पूरी तरह से, हुआ हाँ दी किया, बट हाँ आई थिंक और ज्यादा नहीं है, जरूरत हुआ है। नहीं हाँ है, वजह से राइट प्रेम के केस में, मतलब उस स्टेज में वो आपको आपके डीएम ने दिखाया कि खुद को माफ करने ओके की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके ओके डी तो ओके थैंक यू। ये इसके बाद अभी खुद पे काम करना है कि खुद को फर्गीव करते जाना है डेली। ओके ओके डी वो तुम्हें सिर्फ यही दिखाने की कोशिश करें कि खुद को फर्गीव करो, खुद से प्यार करो। वो गुस्सा जो दिख रहा है ना, वो उनका तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी तरफ है। हाँ, ओके थैंक ओके, गॉड ब्लेस यू। यू। यस, और कोई? सागर जी बोलिए। जी, मैडम, थैंक यू फर्स्टली ग्रेटिट्यूड सेशन का, और ऐसा लाइट लग रहा है, बाकी तो कुछ ऐसे फीलिंग नहीं आया, लेकिन इंटरनली जो हैवीनेस वगैरह रहता है वो सब हल्का लग रहा है, और यही सब है। बहुत सारे लोगों और को अपने इमोशन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि नम है, जी बहुत सारे लोग नम है, तो उस इसके लिए क्या करना है, डीपर लेवल मेडिटेशन करना है। जितना ज्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज्यादा खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को फील कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। जी जी ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जी यस, थैंक यू। और कोई? महक रानी जी फटाफट से अनम्यूट करके बोलिए। हाँ मैम, बोलिए रानी जी। मैम आपने जब स्टार्ट करने बोला तो तभी मैंने देखा कि मेरे डीएम मेरे पास थे और पहले ही कंसोल कर रहे थे कि हाँ इमोशंस बाहर आएंगे, रोना धोना होगा, तो पहले ही सपोर्ट कर रहे थे। जब मुझे खुद को माफ करना था तो तब भी मुझे प्रॉब्लम हुई। मैम आपके बोलने पे बहुत अच्छे तरह से मैंने माफ कर दिया। चाइल्ड, इनर चाइल्ड जो थी वो तो नाराज नहीं थी मुझसे, वो खुश थी। और वेरी नाइस, जब डीएम की बात आई तो डीएम को भी मैंने फर्गिव किया, और मैं उनसे बहुत माफी मांग रही थी और मैं बहुत रो रही थी उस समय, अच्छा, ओके। मतलब मैं ही माफी मांग रही थी। और फिर वो मुझे यही बोल रहे थे बार बार कि एक्सप्रेस करो खुद को खुद को, और मैं कर ही नहीं पा रही थी, तब भी मैं नहीं कर पा रही थी। राइट और राइट, फिर जो लास्ट वाला बॉल था वो भी अच्छे तरह से हो गया, और फिर लास्ट में मैंने देखा कि सब हम सारी सोल फैमिली मुस्कुरा रहे थे, और मैं अपनी सोल फैमिली के साथ ही मतलब खिलखिला रही थी और उनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। तो फिर मेरे डीएम ने बोला कि देखो मुझे फिर से छोड़ दिया, तो फिर मैंने बोला कि नहीं। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैम, एक्सप्रेस कैसे, मुझे एक्सप्रेस करने ही नहीं आता। तो अभी धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगी। आज का आपका पहला कदम था एक्सप्रेस करने का, तो ऐसे ही जो भी लगता है ना, वो अगर आपको बोल के नहीं एक्सप्रेस आप कर पा रहे हो ना, स्टार्टिंग में लिख के एक्सप्रेस करो अपनी डायरी में, जो भी लगता है ना लिखना स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर उसको बोलना स्टार्ट करो। तो धीरे धीरे ठीक आपके बोलने का जो होता है ना वो आ जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ब्लेस यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।